नमस्ते, मैं प्रतिमा राय गोरखपुर से आई हूँ। ये मेरी बेटी अवनी राय है। इसे न्यूमोथोरैक्स की दिक्कत हुई थी और ये दिक्कत इसको सबसे पहले शुरू हुई थी अप्रैल में। एक हल्की सी खांसी आई थी, उसके बाद इसको गैस की दिक्कत हुई, तो एक नॉर्मल सी दवा से वो ठीक हो गई थी। फिर जुलाई में एक्चुअली मैं स्कूल गई थी, वहाँ इसको अचानक एक बार एक चक्कर आया तो बैठ गई, तो फिर वापस घर आई। उस दिन हल्का सा बुखार था, दूसरे दिन कुछ भी खाती थी तो खांसी आता था, खाते खाते ये उल्टी भी करने लगी खांसते खांसते। तो मैं लखनऊ आई, तो लखनऊ मेदांता का जो हेड थे डॉक्टर अनिल थे, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे राउंड के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी आने वाले हैं, आप एक बार उनसे कंसल्ट कर लीजिए। मैं उनकी ओपीडी में गई, सब चीज़ें उनको बताई। ओपीडी में जाने के बाद से मुझे पता चला कि वो कहे कि सब चीज़ें सही हैं, उनका एक अच्छा राय मिला, एक अच्छा गाइडलाइन मिला यहाँ तक आने का। उन्होंने मुझे डेट दिया, फिर हम लोग गुड़गांव आए, इनका ट्रीटमेंट हुआ, एक्सरे सिटी स्कैन सब हुआ, फिर यहाँ पे इनकी सर्जरी हुई वैट्स वाली, जिसमें सारे बुलेज निकाले गए। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। सो आज जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो एक छोटी बच्ची है 9 साल की, अवनी, जो मेरे पास मेदांता से रेफर की गई थी, मेदांता लखनऊ से। ये बच्ची जो थी बेसिकली न्यूमोथोरैक्स एक बीमारी होती है उससे ग्रसित थी। न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, मैंने काफ़ी पहले भी वीडियोस में समझाया है कि जब फेफड़े के आसपास दोनों प्लूरल लेयर्स के बीच में हवा भर जाती है किसी कारण से, सो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। अवनी के केस में उसके लंग में एक बुल्ला था, वो बुल्ला के फटने की वजह से ये न्यूमोथोरैक्स हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो लखनऊ में पहले काफ़ी जगह पे दिखा चुकी थी, फिर वो जब हमारे मेदांता लखनऊ में पहुंची तो डॉक्टर अनिल हैं वहाँ पे, उन्होंने उनको अटेंड किया इमीडिएटली। जो बेस्ट चीज़ करनी चाहिए इस जैसे पेशेंट्स के साथ, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी होती है न्यूमोथोरैक्स, उसमें एक ट्यूब डाल देनी चाहिए जिसको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल ड्रेनेज ट्यूब, जो इनमें डाली गई। और फिर क्योंकि इनको एयर लीक हो रहा था काफ़ी, इनको थोरैसिक सर्जरी के लिए हमारे पास मेदांता गुरुग्राम में रेफर कर दिया गया। सो देखने वाली बात इस केस में है कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमोथोरैक्स के केस में होता है कि एक मेडिकल इमरजेंसी है, इमीडिएटली आसपास के अच्छे हॉस्पिटल में जाके एक चेस्ट ट्यूब डलवा लीजिए। तो कई बार क्या होता है कि ये न्यूमोथोरैक्स में आगे कुछ करने की शायद ज़रूरत ही ना पड़े, जैसा इनके केस में हुआ। पर क्योंकि इनका बुल्ला फटा था और उसके एयर लीक काफ़ी हो रही थी, इनको हमारे पास भेजना पड़ा। जब हमने इन्हें देखा, हमने इनको दूरबीन की सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया, जिसको हम वैट्स कहते हैं। वैट्स सर्जरी की, वैट्स में वो बुल्ला को काट दिया गया, अंदर की प्लूरा की लेयर को निकाल दिया गया और उसके बाद 3 या 4 दिन में ये बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई और इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। आज ये अपनी मदर के साथ बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है। एक बच्ची जब इतने दुखों से गुजरी होती है और उसको जो खुशी होती है ठीक करने की, वो आप देख ही सकते हैं कि मेरे चेहरे पे है। थैंक यू। मैं जब यहाँ आई थी तो एक बहुत निराशा हो गई थी कि छोटी सी बच्ची के साथ मेरे इतना बड़ा इंसिडेंट इतनी उम्र में, मगर जब यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि हर एक चीज़ सही हो गई, मेरे बच्चा लगा ही नहीं कि यहाँ पे एक मरीज की तरह है, एज अ फैमिली एकदम रही, जितने भी यहाँ आते थे सब इसको एक अपनी बच्ची की तरह ही ट्रीट करते थे। तो दैट वाज अ बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड माय चाइल्ड। दैट्स ऑल थैंक्स टू डॉक्टर हर्षवर्धन एंड हिज टीम एंड द होल स्टाफ ऑफ मेदांता। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे को ठीक करने के लिए। थैंक यू।